वंस अगेन टुडे आई एम प्रेजेंट बिफोर यू विथ ए न्यू टॉपिक मेंस्ट्रुएशन फॉर्मूला पार्ट टू। क्लियर, लेट्स सी ऑल फॉर्मूला। और इसके कुछ फॉर्मूले मैंने पार्ट वन में भी कंप्लीट करा रखे हैं, तो उधर पे आप जाके अच्छे से देख सकते हैं और उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। कल जो क्यूब और क्यूबॉइड के दो फॉर्मूले और रह गए थे जगह ना होने के कारण लास्ट बोर्ड पे, तो मैंने फिर से लिख दिए हैं, देख सकते हैं आप। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, फॉर्मूले आपके परीक्षाओं में उपयोगी रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन पर आप टिक जरूर कर दें। ठीक, अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल। देखते हैं फर्स्ट फार्मूला, डायगोनल ऑफ क्यूब, कल जो बताए थे मैंने, तो ए रूट टू दिख रहा होगा आपको, डायगोनल ऑफ क्यूब ए रूट थ्री। ठीक है, ए जो आपकी साइड दी रहेगी उसमें हाइट, लेंथ और ब्रीथ तीनों ए रहेंगी क्योंकि सेम होते हैं क्यूब में। दूसरा फार्मूला देखते हैं इसी क्रम में क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, क्यूबॉइड यानी घनाभ, इसको बोलते हैं घनाभ। और ये आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि घनाभ की सबसे लंबी रेखा जो हम उसमें खींच सकते हैं उसकी लंबाई क्या होगी, तो इसका मतलब है डायगोनल ही। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में नए पार्ट में, पार्ट टू में, कि शंकु। शंकु क्या होता है, सबसे पहले ये समझें, फिगर देखिए आप, ये है शंकु, कोण जिसको बोलते हैं, ये है इसकी हाइट एल, इसे त्रिज्या ऊंचाई बोलते हैं शंकु की हम, ठीक, स्लाइट हाइट बोलते हैं, एंड आर उसकी रेडियस है ये नीचे वाली। ठीक है, क्योंकि ये नीचे सर्कल बनाता है अपने शंकु। अब बात करते हैं शंकु की क्या है कोण, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई जब हमें निकालना हो, स्लाइट हाइट निकालना हो, तो क्या से निकालेंगे, इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका यानी कि हाइट और रेडियस, ये हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगी हुई है इसमें, जो कि त्रिकोणमिति में लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, कि हाइट का स्क्वायर प्लस उसके बेस का स्क्वायर दोनों कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम त्रिज्या ऊंचाई प्राप्त कर पाएंगे इसकी। ठीक है, तो इसी प्रकार से त्रिज्या ऊंचाई निकाल लेते हैं। अगला फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक, ये एक्चुअली में एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो देखते हैं क्या है सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल, एल जो त्रिज्या ऊंचाई है, आर उसकी रेडियस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के लिए है कोन का, शंकु का। आगे उसका आयतन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, तो एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर, आर जो रेडियस है, एच हाइट है। तो ये शंकु के तीनों फार्मूले, चार फार्मूले लगाकर आप आंसर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में दूसरे वाले पार्ट पर, क्या है बेलन, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ठीक, फिगर आपको दिख रहा होगा, ये क्या है उसकी रेडियस और पूरा डायगोनल हो जाएगा, ये हाइट है सिलेंडर की, ये पूरी हाइट है। ठीक, बीच से भी लेंगे या साइड से लेंगे, पूरी हाइट है इसकी। तो पहला फार्मूला है इसका सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ। ठीक, इसका वक्र पृष्ठ बात करें तो इसके सिर्फ चारों ओर का, ठीक है, हम ऊपर और नीचे के पार्ट छोड़ देते हैं, सिर्फ ये जो पार्ट है इसका, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो सरफेस एरिया यानी कि इसके वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, आर रेडियस है, एच हाइट है, और पाई की वैल्यू भी आपको पाई छोटे साथ यहाँ पर रखेंगे। आगे बात करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण क्षेत्रफल कह सकते हैं, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर यानी कि हाइट प्लस रेडियस। ठीक, और 2 पाई आर। आगे बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन। ठीक, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस का स्क्वायर और हाइट, ये हम निकालेंगे वॉल्यूम इसका, सिलेंडर का वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में
गोले की बात करें तो स्पेयर ये बना हुआ है, दिख रहा है जैसे कि आपको, देखिए गोले का बात करते हैं स्पेयर की, तो ये गोला बना हुआ है, जैसे कि बॉल एक गोला ही है। और वृत्त की बात अलग होती है, वृत्त अलग चीज है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर यानी कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक, 4/3 πr³, r जो क्या है इसकी रेडियस, ठीक, जो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक मिलाने वाली लाइन को हम रेखा को रेडियस बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया की बात करें अगर हम स्पेयर की गोले की, तो यही रहता है 4πr², ठीक है। आगे बढ़ते हैं खोखले बेलन पर यानी कि होलो सिलेंडर, देखिए तो होलो सिलेंडर ये बना हुआ है, खोखला बेलन है जो अंदर वाला होता है, ये इसको हटा देते हैं अंदर वाले पार्ट को अगर हम, तो वो होलो सिलेंडर बन जाता है। तो सरफेस एरिया यानी कि उसका बक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2π r1 + r2। r1 क्या है, बड़े वाले बेलन की त्रिज्या, और r2 क्या है, छोटे वाले अंदर वाला जो हमने बेलन इसमें हटाया है उसकी त्रिज्या, दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया निकला, वो सरफेस एरिया इसका निकल आता है, ठीक, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम, यानी कि पूर्ण इसका वक्र पृष्ठ निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो उसका क्षेत्रफल, तो ये फार्मूला लगाना है, 2π r1 + r2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में h + r1 - r2, ठीक है। इनको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। आगे फार्मूला थर्ड नंबर का देखिए आप, वॉल्यूम यानी कि खोखले बेलन का आयतन कैसे, πr² यानी कि बड़े गोले, बड़े वाला बेलन जो है उसकी त्रिज्या का स्क्वायर, -r² यानी कि खोखला वाला जो बेलन है ये अंदर जो बना हुआ है इसकी त्रिज्या का स्क्वायर, और दोनों को माइनस कर देंगे, और इनटू हाइट, ऊंचाई क्योंकि दी जाती है ये इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अर्धगोले पर यानी कि सेमी स्फीयर जो है, देखो सेमी स्फीयर को अर्धगोला ये बना हुआ है, तो सेमी स्फीयर का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर, अब देखो हमने गोले का आयतन देखा था क्या, 4/3 πr³, तो इसका जस्ट आधा कर दो, तो आधा करने का मतलब 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब 2 का भाग 4 में देंगे तो क्या हो जाएगा सीधा आधा, 2/3 πr³, ठीक, अर्धगोले का आयतन। टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का 3πr², ठीक है। अब देखो ये निकलता कैसे है, अगर देखो पूरा ये सरफेस एरिया निकालते हैं हम पूरे गोले का, तो क्या होता है 4πr², आधे का निकालना हो तो 2πr² हो जाएगा, तो यहाँ पर 2πr² प्लस ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये दिख रहा है, ये भी एक सर्कल बनता है, आपस में सर्कल बना रहा होता है अपना, तो इसका भी πr² देखकर 2πr² कितना हो जाएगा मिलके 3r². बात करते हैं ये क्वेश्चंस की इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर डायरेक्ट आते हैं, जो कि समबाहु त्रिभुज में, कि किसी त्रिभुज में कहा जाएगा आपको, समबाहु त्रिभुज में साइड दी गई रहेगी, उसकी अंतर रेडियस निकालो, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है, उस सर्कल की अंतर रेडियस बताएं, ठीक है, यानी कि त्रिभुज के अंदर जो सर्कल बना है उसकी रेडियस क्या होगी, तो सीधा फार्मूला लगाइए, r = a/√3, ठीक, साइड √3 अंतर रेडियस निकालने के लिए। आगे है इसी समबाहु त्रिभुज में अगर हम इसी त्रिभुज के बाहर कोई सर्कल बनाते हैं, ठीक है, उसके वर्टेक्स से हो जिससे जाती हुई एक पूरा गोला बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, और कहा जाएगा इसकी साइड है जो ये है ए, तो हम इस सर्कल की रेडियस बताइए क्या होगी आप, ठीक, यदि त्रिभुज की हमें साइड दी गई है तो इसकी रेडियस बताएं क्या होगी। ये कभी कभी उल्टा पूछ सकते हैं कि आपको रेडियस दी जाए और आप साइड बताएं कितनी होगी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है आपको, r = a/√3, ठीक है दोस्त। तो यहाँ तक अपने सभी फार्मूले कंप्लीट हुए, और ये छोटे से वीडियो में आपका 10 मिनट का वीडियो है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी देखें अच्छे से, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए, और एक बार पूरा इसको रिवाइज कर लें आप, ठीक, अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। गुड बाय, फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय।